दोस्तों नॉर्मल सूत्रियों में तो हम सभी ने पढ़े हैं, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में ऐसा हम चार पांच सूत्रीय बम लेंगे और उसका जो बारूद है उसे इकट्ठा करेंगे और उससे एक फ्रैगमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। पबजी मोबाइल में जिस तरह का फ्रैगमेंट इस्तेमाल होता है ठीक उसी तरह का हम फ्रैगमेंट बनाने की कोशिश करेंगे और उसे टेस्ट भी करेंगे। दोस्तों आप ऐसा कुछ भी घर पर क्या कहीं पर भी करने की कोशिश मत कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये एक्सप्लोजिव तो भाई इसके रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ये वीडियो बस एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, तो भाई आप बस वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। दोस्तों बारूद निकालने से पहले मुझे ये खोलना पड़ेगा ताकि इसका जो कोड है वो निकल के आए। पहले तो मैं इसका जो रैपर है वो निकाल देता हूँ। तो दोस्तों बारूद को रखने के लिए मैंने इस तरह का एक बॉक्स जैसे कंटेनर बनाया है ताकि मैं इसमें बारूद रख सकूँ और इसके ऊपर हम इसके बाद एक करके जो सूतली है उसे हम रैप करेंगे। तो भाई हमने सूतलिया लपे लपे के इस तरह का एक लड्डू जैसा बना दिया है। दोस्तों हैंडल जो है वो हमने कुछ इस तरह से बनाया है, ये एक्चुअली MDF बोर्ड है। इसे हम जितना हो सके एक्चुअल गेंद की तरह बनाने की कोशिश की है। दोस्तों ये इसका फ्यूज़ है और ये दो तार बैटरी तक जाएगी और अगर मैं इसका पिन खींचता हूँ तो इसका जो हैंडल है वो दूर तक छिटक कर जाएगी भाई एक्चुअल गेंद में जैसा होता है। दोस्तों इसका जो ये वाला पार्ट है जब मैं पिन खींचता हूँ तो ये कॉपर वायर से जाके कनेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो सर्किट है वो पूरा हो जाता है। तो भाई फ्यूज़ को थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बाद में पता चला फ्यूज़ ठीक से काम किया नहीं और पास जाने के बाद हो गया हादसा। मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, अब पिन खींच के देखते हैं। तो भाई साहब हमारा जो फ्यूज़ एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। अब जल्दी से इसे असेंबल कर लेते हैं और फिर करते हैं इसका टेस्ट। दोस्तों हमारा जो गेंट है वो बन चुका है, अब हम इसका टेस्ट करेंगे। सच बता तो यार मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये फटेगा कि नहीं फटेगा, लेकिन मुझे इतना पता है अगर ये फटा तो भाई बहुत तेज़ आवाज़ होगी क्योंकि इसका जो शेप है वो स्फेरिकल यानी कि राउंड है और स्फेरिकल शेप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका कोई वीक पॉइंट नहीं होता। तो जब इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा तो चारों तरफ से इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसकी वजह से जब ये फटेगा तो भाई चारों तरफ लाशें बिक जाएगी लाशें। और भाई इसी वजह से जो एक्चुअल गेंट्स होते हैं उनमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस यानी कि ग्रूव्स खींची होती है ताकि जब ये फटे तो उन लाइन और ग्रूव्स के थ्रू फटे, जिस वजह से जो ग्रेनेट का शेल होता है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट के किसी के कान में किसी के शरीर में किसी के गांव घुस जाता है। और भाई ये इतना अच्छा बना है ना मुझे नष्ट करने का मन नहीं कर रहा, तो पहले तो इसके कुछ शॉट्स लेते हैं फिर करते हैं इसका टेस्ट। भाई ग्रेनेड को हमने एक जगह पर बांध कर रखा है, अब मैं दूर से ही धागे की मदद से पिन को खींचूंगा। भाई आवाज़ बहुत तेज़ होने वाला है इसलिए पहले ही नॉइस अलर्ट दे देता हूँ। ओके फायरिंग इन 3, 2, 1। भाई बहुत ढूंढने के बाद मुझे बस यही मिला, आप देख सकते हैं इसका क्या हालत हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ऐसा वीडियो और भी देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।